दिस इज बश्रा खान वेलकम टू पॉडकास्ट टू डे वी आर लाइफ नासर इकबाल खान कुछ सवाल हैं मेरे में लेकिन उससे पहले ये तो बताते चलू कि बात क्या है आज इमरान खान को इद्दत वाले केस में सजा सुना दी गई है ना तो सिर्फ इमरान खान को बल्कि इमरान खान और बश्रा बीबी दोनों को इद्दत वाले केस में जो कि बुशरा बीबी के एक्स हसबैंड खावर मानिका ने किया था इमरान खान और बशरा बीबी पर उसमें उनको सजा सुना दी गई है सात सात साल की सज़ा सुना दी गई है और इसके साथ साथ पाँच पाँच लाख का जुर्माना भी दोनों को अदा करना होगा लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान और बुशा बीबी के निकाह को गैर श्री निका करार देते हुए दोनों का निकाह ख़त्म कर दिया गया अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी इमरान खान का जिस किस्म का मिजाज है क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे ये जानना चाहती हूँ मैं और सर मुझे बताएं मैंने मिस्टर नई मनीष से भी ये क्वेश्चन किया जिस किस्म का मजाज इमरान खान का है दुनिया जानती है चप्पा चप्पा कोने कोने में लोग जानते हैं इस फैसले को इमरान खान तस्लीम करेंगे कि निका ख़त्म <coughs> कर, कर दिया गया है कोर्ट की जानब से बसमान बात यह है कि इमरान खान का मिजाज अपनी जगह पर लेकिन आयन और कानून जो है वो अपनी जगह पर एक हकीक़त है आपको फैसले तस्लीम करने पड़ते हैं अब जिस तरह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए हैं मुख्तफ़ों में मुख्त थानों में तो अल्टीमेट उन्होंने फेस किया है और उनकी कई जमानतें हो रही हैं कई सजाएँ हो रही हैं तो आप म, आपकी मर्ज़ी से तो नहीं रियासत चलती रियासत अदालत और कानून और आयन को देखती है बरकैफ़ मैं अर्ज़ करता चलूँ पाकिस्तान के अंदर जब से हमने हु संभाला है हम ये तो सुनते आए हैं कि हुकूमत ने आइनी मददत पूरी नहीं की और ये जो इद्दत वाला मामला है ये एक बिल्कुल नया है और इस पर वैसे तो हम चूँकि तफिल मकतब हैं और तालब इम है इस पर सही जो रोशनी डाल सकते हैं मुफ्ती हजरातमा हजरा बरकै चूँकि इसमें इबहाम मौजूद है इस शादी में इद्दत की जो मदत हम बार, बार बार बात करें लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ये छः साल बाद मामला क्यों अदालत में आया है इद्दत वाला मामला और अदालत ये बड़ा इसमें भी काफ़िया मिलता है बहुत सारे मामला तो जो मैं समझता हूँ इस्लाम के हवाले से हम तालबम हैं हम दुनिया तो सीखते हैं दीन नहीं सीखते और जब आप जहाँ पर आप बेखबर हैं आपके पास मालूम दुरुस्त नहीं हैं आपको चाहिए कि आप जो मुस्ंदमाजरात हैं या मुफ्ती हजरात हैं आप उनसे मुशावरत करें लेकिन बदकस्मती ये है कि इमरान ख़ान के नज़दीक जिस कस्म के मुफ्ती कवि जैसे लोग ऐसे किरदार थे तो फिर बाहिर है इस कस्म के फ़ैसले उनसे बई नहीं थे लेकिन मैं समझता हूँ हर शर में खैर होती है मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि ये खतून इमरान खान की ज़ात के लिए उनकी शख्सियत के लिए उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर थी और मैं ये बात जब इमरान ख़ान ने इकदार संभाला था उस वक्त लिख चुका हूँ रिकॉर्ड पर है कि आपने अगर आप इन ख़ातून से शादी कर ली है इन ख़ातून की वजह से आप ज़्यादा नहीं बने क्योंकि तो अगर इस खतून में कोई ऐसी कोई रूहानियत कोई करामत होती तो इनका पहला जो शोहर है जो कई बरसा में रहा है होता, राइट। वो फिर प्राइम मिनिस्टर होता सही बात की, की आपने दूसरी तरफ मैंने कह दी अगर आपने इनसे शादी कर ली है तो आप इनसे मोहब्बत भी करें इनकी इज़्ज़त भी करें लेकिन इनको अमूर रियासत से बहुत दूर रखें लेकिन बदकस्मती से इन ख़ातून ने आ, लेकिन मैं ये भी बात करता चलूँ कि ये शादी और इसके सम्रात ये जो इनके शोहर हैं सबक शोहर काबर मौलिका उनकी पूरी फैमिली उन्होंने पूरी तरह ख़ातून अवल की हैसियत से उनके पास जो पोजीशन थी बश्र बीबी के पास जी जी तो उनका पूरा टब्बर उनका पूरा ख़ानदान पूरा फैमिली पूरी फैमिली बेनिफिशरी थी अगर आपको याद हो डीपीओ पाक पतन के तबादले तो का जो स्कैंडल आया था डीपीओ पाक पतन के जो तबादले का स्कैंडल था तो जी. उसमें जो मरकजी किरदार खाबर मोनिका का था सो so, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी और मैं ख़ुद उनका बयान सुन चुका हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि अपनी सबका बीवी के बारे में वो फरमा रहे थे कि मैंने ऐसी पारसा खातून जिंदगी में नहीं देखी तो सवाल ये पहला होता है ये तलाक़ के बाद की स्टेटमेंट है एक बार एकदम से कहाँ से याद आ गया इनको नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये जब शुरू की बात है जब तलाक हुई थी इमरान खान से शादी हाँ हुई थी उसके बाद ये बयान आया था हालांकि अगर वो पारशा थीं तो फिर आपने तलाक क्यों दी बड़ा बुनियादी सवाल है क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन तलाक और खुला का एक क्राइटेरिया एक पैरामीटर है कि अगर औरत आपकी बीवी आपकी शरीक हयात आपकी इज़्ज़त की मुहाफ़ नहीं है आपकी गैरत की पहरेदार नहीं है तो फिर आप बड़ा एक्सट्रीमली ये फैसला बामरे मजबूरी करते हैं कि आप उस अपनी बीवी को तलाक देते हैं और खुला की भी एक शराइत है कि जब आपका शोर बहुत ज़्यादा आप पर म करे आपके हकूब पूरे ना करे और किरदार भी उसका अच्छा ना हो तो फिर आपके पास खुला का हक मौजूद है हम कोई यूरोपी माशरा नहीं है कि आप अचानक से कहें कि अच्छा जी मुझे आप एक नया जीवन साथी मिल गया या मैं किसी और की तरफ और रागब हो गया हूँ तो लिहाजा हम ब्रेकअप कर लें और तलाक़ और खुला का मामला दूसरी तरफ मैं अर्ज़ अर्ज करता चलूँ ये इद्दत से भी जो बड़ा एक अहम मामला एज अलब मैं इसमें देखता हूँ वो ये है कि इस्लाम जो हमारा दीन कामिल है दीन फितरत है वो इस किस्म की शादियों की हौसला शिकनी करता है कि अगर एक बसा बसाया घर अगर आप उजाड़ के अगर आप किसी की बीवी को वर्गला के बेला फुसला के उसको ये कहें कि तुम अपने शोहर से तलाक़ ले लो और मैं तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें मैं खुश रखूँगा तो ये इस्लाम इसकी नफ़ी करता है मैं इस पर कोई इमरान ख़ान से ये बात मुनलिक नहीं करा चूँकि यहाँ बात थोड़ी मुख्तफ है जो सीना गजट हमने बातें सुनी हैं तो उसमें तो ये लगता है कि खतून ने यह सारा ऐसा माहौल बनाया और चूँकि ये सीना गजल बातें बड़ी मारूफ़ हैं कि यहाँ तक कहा गया कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर आप प्राइमस्टर बनेंगे मैंने ख्वाब देखा है और मुझे ये बिशारत मिली है आप रिहान ख़ान को तलाक़ दे दें रिहान ख़ान ये कह चुकी है कि मेरी तलाक होने में बश्रा बीबी का बड़ा कलीदी किरदार है मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे तलाक दे दें यहाँ पे ये कर ले यहाँ पे मेले लेती हुए बच्चों का खेल है मैं आपके प्रोग्राम में अपनी बात दोहराता चलूँ इमरान ख़ान में लाख लाखूबियाँ होंगी लेकिन मैंने रिकॉर्ड पे लिखा है और मैं इस पर कन्विंस हूँ अपनी बात पर कि इमरान खान ना ज़माना शनाथ है ना जनाना शनाथ है इमरान खान की तीनों जो शादियाँ हैं वो बेजोड़ हैं और तीनों शादियाँ पहली शादी उस खातून का बिल्कुल उसकी सकाफत और मजहब और कल्चर और और उसके बाद वो शादी नहीं चल सकी दूसरी शादी भी बहुत उजरत में की आप कंटेनर में बैठे हैं या खतून एंट्रव्यू करने आती है और आप उसको दिल दे देते हैं और शादी कर लेते हैं फिर उसके बाद जो कुछ आपके सामने है और ये ख़तून से आप अगर रूहानी मशावरत करने या रहनुमाई लेने जाते थे तो फिर आप शादी तक किस तरह पहुँच गए तो ये बहुत ख़ासतौर पर एक ऐसी औरत जो ऑलरेडी शादी शुदा है उसकी पूरी फैमिली है पूरा कुंबा ख़ानदान है तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ और बदकस्मती ये भी है कि ये वाद शादी नहीं है इस तरह की और बहुत सारी आ, हमारे पाकिस्तान के अंदर कदावर सियासी शख्सियात हैं जो बड़े अहम आइनी उदों पर विराजमान रहे हैं उन्होंने भी एक से ज़ायद शादियाँ की, और उन्होंने भी शादियाँ तुड़वा कर अच्छा ख़ासा बसा बसाया घर उजाड़ कर अपनी अपने साथ उन खवातीन के साथ शादी की और फिर बाद में तलाक भी दे दी तो ये इसमें ये भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे जो दीनी क़्यादत है हमारे आ, उल्मा हजरात हैं इस पर खुल के बात करें पूरी कौम को एजुकेट करें हम सब ताले तलेबिलम हैं चूंकि दीन के मामले में हमारे यहाँ बदकस्मती इतना रुझान नहीं है हम दीन की तलीम से बहुत कोसों दूर हैं बिल्कुल तो हजरात का ये एक तरह से फ़र्ज फ़र्ज मनसबी है कि वो इन इश्यूज पर बात करें दूसरा इशू मैं आपके प्रोग्राम की स्ातर से बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम और कुरान में वाजे अल्लाह तला के अहकाम मौजूद हैं कि कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती सूर निस में आयात में ये मौजूद है लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है और उस पर उलमा ख़ामोश हैं और बात यह है कि हम अपने इस्लामी माशरे को शुतर बेमहार नहीं छोड़ सकते मादर पिदर आज़ादी इस्लाम इसका कोई तसवर नहीं है तो बहर कैफ ये आ, अगर मैं इसमें इस तरह कहूँ कि हर शर में खैर होती है इमरान ख़ान के लिए इस शर्म ये खैर है कि अगर अदालत ने यह फ़ैसला सुना दिया है तो वो अपने आप को समेट लें यहाँ करें और अगर उन्हें ज़ाहिर है शादी करना उनका हक़ है चौथी शादी भी कर सकते हैं तो कोई ख़ानदानी कोई घरेलू जो गैर गैरमतनाज़ हो बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे रिश्ते मौजूद हैं ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनका हसब नसब अच्छा हो जिनकी शोहरत अच्छी हो जिनके इस किस्म के आ, जो सियासी दिलचस्पियां हैं या सियासी मफादा ना हों जो सियासी इस्तारे ना करे जो सियासी इशारे ना करे जो आपको सियासी तौर पर आ, मशावरत के नाम पर आपको गलत मशवर अंदर आए जो आपके हाथों बुजदार को मुसलत ना करवाए पंजाब पर जो आपके हाथों बहुत सारे ऐसे आ, इस खातून ने इमरान खान से फैसले करवाए हैं जिनका मैं शाह हूँ इवन आई ही इसलिए को कर सके हम कर अगर करें, बात करें जनरल फ़ैज़ हमीद की तो जनरल फ़ैज़ हमीद का जो एक क्राइसिस पैदा हुआ था उसमें भी इन खातून का मशवरा था इसरार के साथ ये इमरान खान को इस बात पर बजित थी कि आपने अभी इनको रिलीज नहीं करना इस मनसब से ठीक है बिल्कुल तो एक क्राइसिस पैदा हुआ बड़ी सुखी हुई फिर आपस में ट्वीट हुए और फिर री नोटिफिकेशन हुआ सबके सामने है तो बरहल, आ, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है खैर अगर इसको दूसरा पहलू देखा जाए तो यह भी एक उजरत में किया गया है और ये इमरान खान के जिस तरह इमरान ख़ान की सजाओं की हैट्रिक हुई है आज इस तरह हमारे जो मोजज़ जजज हैं उनके इस्तीफ़ों की भी हैट्रिक हुई है कल लाहौर कोर्ट के मोजद जज ने इस्तीफ़ा दिया है तो ये एक अजीब सी है कभी इस तरह माजी में इस तरह हुआ नहीं है इतनी बेयनी और बेचैनी सर यही क्वेश्चन मेरे आपसे है कि इलेक्शन से कबल तीन से चार या पाँच दिन रह गए इलेक्शन में टुडे इज थर्ड ऑफ फेब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से चार रोज़ कबल इमरान खान पर जितने भी केसेज चल रहे हैं अभी एक रह गए नौ मई का तीन केसेस तो रैप अप हुए ना तीन चार दिनों में रैप हुए हैं तीनों की सजा सुना दी गई है तो इतनी जल्दी सारे के सारे केसेस क्यों रैप हो रहे हैं मुझे लगता है अंदेशा है कि नौ मई का भी फैसला हो सकता है मुझे नहीं पता क्या पता अब ये भी हो चाहे चाहे तीन हो गए वो एक का क्या है देखिए अभी तक इलेक्शन क्या क्या से कनेक्शन है है कोई या क्या वो देफिन, देफिन, भी देफिन, देफिन, भी डेफिनेट जो कैलकुलेशन की जा रही है की गई है जो भी होमवर्क किया गया है जो अंदाजे हैं जो गुमान है उस हिसाब से अगर देखा जाए उस तनाजुर में तो ये इलेक्शन के नतज पर अपनी मतलब एस्टिमेटेड नतज लेने के लिए एक एफर्ट है कोशिश है और जो उनके अंदाजे उनके मुताबिक काम कर रहे हैं लेकिन अगर हम आ, माजी का देखें ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक इमरान ख़ान के वाले से जो भी इस तरह के मामला आए हैं मोस्टली उनमें फायर कर गए हैं इमरान खान रिहान खान की किताब जितने भी इमरान खान से चीज़ें मनसूब की गई हैं वो लोगों ने ज़्यादा वहदा नहीं किया उनके जो हामी हैं वो वहीं खड़े हैं अब अगर मैं बात करूं गली मोहल्ले की थड़े की और इंतहाबी मुहिम की तो जो पीटीआई का वर्कर है उसको इन सजाओं से कोई ख़ास वो जो उनकी सम्पत्ति है उनकी हमदर्दी है बढ़ी या कम नहीं हुई उनकी जो वाबस्तगी है वो कम होने की बजाय वो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं अच्छा मैं यही पूछ रही थी कि आप सपोर्टर्स की जब मैं बात करती हूँ सजाए सुना दी गई है हम सबको पता चल रही है अब जो पीटीआई का डाई हार्ट सपोर्टर है उसका क्या मोरल है वो उसका मोरल आपको डाउन होता दिख रहा है या कोई परसेंटेज ऐसी क्लास हो जो कहती हो कि मैं बैक ऑफ करता हूँ वोट से या आपको लगता है कि और ज़्यादा लोग सिंपथाइज होना शुरू हो गए इसके साथ आपकी जो दूसरी बात है मैं उसको लोग, लो, लोग ज़्यादा

इस सारे मामले से अपने वाले से नाराज़ हैं और उनका उनके नज़दीक उनकी जो माँ हैं वो बड़ी पारसा बड़ी खातून है तो उन्होंने तमाम जो शीट है इल्ज़ाम हैं खबर मानिका की तरफ से उनकी माँ के ख़िलाफ़ और मोस्टली वैसे भी बच्चों का प्रेशर जो हो बेटियाँ होती हैं है। वो अपनी माओ के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं उन, उनकी माओ के साथ ज़्यादा कुर्बत होती है दिली कल भी वाबस्तगी होती है और दूसरी तरफ बुशा बीबी की जो बहन है उनका भी मैं अखबार में लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि सारी चीजें छह साल बाद सामने आ रही हैं आप लोग अब नहीं एक तो खबर माने का भी पहले सो गए थे जब तलाक भी हो गई शादी भी हो गई दो तीन साल भी शायद गुजर गए एकदम से उनको याद आया मैंने दो तीन साल याद आ गया मैं कह रहा हूँ कि एक दार एक दार के केदार के इकदार के जो चार साल सवा चार साल इकदार के सारे जो मज़े थे सारी आ, जो प्रोटोकॉल कह लें या उसका आ, जितने भी आ, फायदे थे सियासत के अपना हुकूमत के जो जब पी टी आई बर इकदार थी तब इन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया और ये पूरी तरह आ, इस इतदार को इंजॉय कर रहे थे मैंने आपको ये मिसाल दी डी पी ओ पाकपतन के वाले से इनकी मैंने एक वीडियो देखी आ, इनके बेटे की मंगनी थी और उसकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में और जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह वहाँ हवाई फायरिंग की गई तो उससे साफ लग रहा था ये मतलब पाकपतन के वाइश राय हैं और ये किसी कानून को वहाँ जवाब दे नहीं है और रॉयल फैमिली है वहाँ की तो वर्क एफ अब देखते हैं यकीनन ये इस केस में भी अपील में जाएंगे जिस तरह पिछली दोस्त आए हैं उसमें भी अपील में जाएंगे ये मानी का मानिका वाला केस भी करते हुए लेट और उसको विड्रॉ करते हुए भी लेट मतलब ही ऑलवेज बीन लेट फॉर फ्यू सर्टन थिंग्स अगर देखा जाए तो अब बच्चों के प्रेशर में आई या क्या वजह थी डील थी खैर वो तो चीज़ खत्म हो गई हो मुनीर अब महरूम की बहुत बड़ी एक मारूफ नजम थी हमेशा देर कर देता हूँ मैं उस तरह का उसमें एक बड़ा खूबसूरत मिसरा था तो ये ये इनका वो वाला हाल है और इनको इनका वो वाला हाल देख के अफसोस भी होता है मैं ये सोचती हूँ कि अब एक कनेक्शन तो है बश्रा बीबी का खावर मानिका के साथ क्योंकि बच्चे हैं तो वो कनेक्शन तो हमेशा के लिए रहेगा तो अब बश्रा बीबी और खावर मानिका का जब सामना होगा तो मुझे बताया वो क्या हो सकता है इंट्रैक्शन क्योंकि दिका भी ख़त्म हो गया इमरान ख़ान के मतलब उनका एक रिश्ता ख़त्म हो गया ना खावर मानिका की वजह से इद्दत वाले केस का जो फैसला कोई आम तो नहीं आया निका भी ख़त्म है जुर्माना भी देना है सात साल की और सज़ा भी ऐड हो गई है तो क्या आपको लगता है क्या ड्रामा होगा ज़ाहिर है जिस किस्म के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं ख़बर मानिका की तरफ से तो बुश अभी भी उन इल्ज़ाम को फरामोश तो नहीं करेंगी आ, यकीनी बात है उनकी जो इस नफ्स मजलू हुई है, है और जो जो तो औरत होती है वो इस किस्म के मीडिया ट्रायल को इस किस्म के इल्ज़ाम को हर गरामोश नहीं करती ना माफ़ करती है ये था भी एक डिफरेंट नोयत का केस थोड़ा सा पर्सनल भी आप कर लें उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है तो मैं यही सोचती हूँ कि आप अडयाला को

तो उनके लिए ये आ, हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते क्यों नहीं सोच सकते नहीं वाय चलो सब कुछ साइड पे अगर खाली उन उनके ऐसे ऐसे मामलों से भी बाबर हूँ कि किसी का वालद वफात पा गया किसी की वालदा का इंतकाल हो गया लेकिन जो कमज़ोर नातवा जो आम आ, हवालाती होते हैं या कैदी होते हैं चाहे मर्द हों खन हों वो अपने माँ बाप के जनाजों को कंधा तक नहीं दे सकते और मैं विटनेस हूँ कि एक मैयत ले जाई गई कोल्ड जेल की ज्योड़ी में और वहाँ उस बदनसीब बेटे ने अपने बाप बा, वालद का आखिरी दिदार किया तो जाती है और बड़े जो बड़े बड़े लोग हैं उनको फौरन पेरोल पर रहा, रहा किया जाता है जवेद हाशमी पेरोल पर रहा हुए थे तो इस तरह के और बहुत सारे वाक़ हैं तो ये है सर, वो ये का है है हाँ, ये, ये होना चाहिए इट्स इट्स नॉट अबाउट अबाउट के हु इज बुशरा बीबी वो वो जो भी ट्रीटमेंट तो वो किसी ऐसी कंडीशन में खुदा खासपेक्ट करियो या कोई बीमारी हो या कोई फ्लाह हो, हो डायरेक्ट बनी गाला मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिर बाकी जो चीजें वो तो चलती रहेंट्स की जारी हयात में एक फातमा नामी ख़ात चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होती हैं उस दौर के बड़े बासर कबाइल और सरदार उसके सिफारशी होते हैं कि इसको माफ़ कर दिया जाए इसके हाथ काटने की जो सजा है वो ना दी जाए तो रसूल ने बड़ी ख़ूबसूरत बात की जो हमेशा के लिए है कि अगर इस फातमा की जगह मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा होती तो उसको भी यही सजा दी जाती तो जब हम सजाओं में इम्तियाज करते हैं तफरी करते हैं तो फिर वो दुमाशे तकसीम हो जाते हैं ताकतवर हो या कमज़ोर हो जिसने जुर्म किया है जो जुर्म की नौत है उस हिसाब से उसको जवाब मिलनी चाहिए हम बिल्कुल ठीक बात की अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर हम लोग की तरक्या रुके ना हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाए अगर हम लोग अपने इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने लग जाए एनी वेज थैंक यू सर फॉर बिंग हेयर एक सवाल मेरे माइंड में एक और मुझे ये बताइए

चूँकि मैं दावे से कह सकता हूँ वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान ख़ान के वजे अजम बनने में इस ख़तून का एक रत्ती भर किरदार नहीं है लेकिन इमरान खान की जो एक उनके ख़िलाफ़ अदम अतमाद की कामयाबी उनकी ईवान वीर अजम से रुखती या उस मनसब से सुबदोशी में अगर सबसे बड़ा किसी का किरदार है मशरों का अमल दखल का मुदाखलत का असरअाज़ होने का तो उसमें एक ही आपको नाम नजर आएगा बुशरा बीबी का ठीक है ज़ाहिर अब लोग कहते हैं तो एक गवाही हो दो गवाही हो जो तीन गवाही हो और अपना एनालिसिस रहे हो तो ये बात आती है सामने कि इमरान खान ने पीएम बनना था तो बनना ही था हर हाल में बनना था और वह तब लिखा हुआ था तो बनना था चाहे वह फेयर था या नहीं था सात विशरा बीबी मुनसलिक हो गई तो ठीक है वो एक बहाना बन जाता कि अंडर द प्रीटेक्सट वन ही गॉट मैरिड

और मैं ऐसी इबादत करूंगी कि, कि आप लेकिन उसके लिए आपको मुझसे निकाह करना होगा ये बात जो है ये जब आपकी नीयत ये हो तो फिर ज़ाहिर है उसका उसकी ऐसी शादी का इतना ज्यादा बरकार है ना मैं समझता समझा एक, एक बड़ी बात है जब आपकी नीयत में आपकी अटेंशन ये हो तो फिर ऐसी शादियाँ चल नहीं सकती ज्यादा देर और अगर आपके पास इस तरह का इलम था तो आपको तब नहीं लगा कि तीन चार साल बाद इतने केसेज या ये चीजें हो सकते हैं ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे एनी वेज थैंक यू सर फॉर बिंग हेयर थैंक यू गायज फॉर वॉचिंग अस लाइफ टूडे इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरीज क्वेश्चन और एनी एनी थिंग यू गाइज वॉन्ट टू शेयर विद अस प्लीज लेटेस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन वेयर एज डो नॉट फर्गेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइबर सम अर पॉडकास्ट वो शक एज लिविंग टिल टू डेट स्टे ट्यून्ड बाय बाय